2024 मांगे मोदी जी, और ये बनेगा 2025 में हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, अरे यो टोपी वाले पाकिस्तान जाएंगे, खुला चैलेंज है भैया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र चाहिए, बकरे तो चाहिए ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बकरे, तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बकरे नहीं कटने के। अच्छा। पठान फ्लॉप जाएगी तो मैं लड्डू बांटूंगा। खान पठान 57 देश के ना चला पाएंगे। पठान ऐसे भी फ्लॉप होने वाला है, लिख के रख लीजिए किसी को। जहाँ गलत दिखा वहाँ लट बजा के तोड़ेंगे। अभी बता दे भाई, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। कहाँ हो वे अंधभक्तो, नजर नहीं आ रहे हो? ते हैं मनोज मुंतशिर साहब का विरोध अंधभक्त काहे नहीं कर पा रहा है? काहे कि मनोज मुंतशिर साहब तो निकल गए शुक्ला जी के सर को प्यागे, तो तुम लोग का पिछवाड़ा जूता से मार के लाल कर दिया जाएगा। आली जनाब मोहतरम अमित शाह साहब है, अब गृह मंत्रालय को काम करने का तरीका वैसी सब सिखाएंगे। एक नंबर के चूतिया हो तुम। या प्रधानमंत्री जी को क्या आसिम वकार जाके ये बताएंगे कि साहब प्रधानमंत्री जी आपको नहीं पता है गोडसे ने राजपिता की हत्या की थी इसलिए वो टेररिस्ट है, क्या मैं जाके बताऊंगा उनको? दोस्तों फिर से आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ अंधभक्त पर। तो अंधभक्त का कहना है कि 2025 में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और जो टोपी वाले हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। 2024 मांगे मोदी जी, और ये बनेगा 2025 में हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, अरे यो टोपी वाले पाकिस्तान जाएंगे, खुला चैलेंज है भैया। जिस पे रुके रोक लो, आएगा मोदी 2024 में। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र चाहिए, बकरे तो चाहिए ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बकरे, तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बकरे नहीं कटने के। अच्छा। आएगा हिंदू राष्ट्र, आएगा। कटने में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है जी। क्यों? उधर तुम काट रहे हो जो तुम्हारा वो बोल के गए हैं, उसमें लिख रहा बाइबल में कुरान में। बकरे तो हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान सब खाते हैं बकरे। वो खाते सही, पर भाई ये नारंगे जो बकरे, जो हिंदू बकरे खाते हैं उसमें क्या कहेंगे? जितने वो मुसलमान मुर्गा खाते हैं, हिंदुस्तान से मुसलमान चले गए, क्राइम कम हो लेगा, क्राइम बिल्कुल कम हो लेगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, ऐसा आप बनेगा 2024 में आएगा भाई मोदी, और 25 में हिंदू राष्ट्र। कुकर वाली कहानी अभी आपने देखा है? कुकर वाली एक मिल गया, तुम 10 गिनवा दो और मैं 10 मुसलमान गिनवा रहा हूँ। हाँ गिनवाओ, हिंदू गिनवाओ और मैं 10 मुसलमान गिनवा रहा हूँ। लव एंड अफेयर के मामले में भारत में डेली 45 मर्डर होते हैं, पता है आपको? 45 मर्डर होते होंगे तो उसमें से 44 मुसलमान ही करते होंगे। कहाँ से डाटा आपका है? आप एनसीआरबी का डाटा देखे, गलत बात मत फैला। आपने जो कहा टोपी वाले पाकिस्तान जाएंगे, तो आप मंत्री है क्या पाकिस्तान के? मैं रखेगा पाकिस्तान मुसलमान, मैं यहाँ का मंत्री हूँ। मतलब कि पाकिस्तान इनके बाप का है जो टोपी वाले को भेज देंगे और उनके बाप के घर में रहेंगे। देखिए अंधभक्त को जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं पता और फायदे गिनाने में आ गए। बेटे चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहता, सरकार से मांगना है हराम का थोड़ी। क्यों मांगेंगे? अच्छा। क्या क्यों मांगेंगे? वोट दिए सरकार, यही तो वोट दियो। जब तुम निस्वार्थ कोई काम नहीं करोगे वो कर्म नहीं कहलाता। अच्छा। ठीक है, जीएसटी से क्या फायदा हुआ? जीएसटी से क्या फायदा नहीं हुआ? सिस्टम से काम हो रहा है, कहीं पे भी अनलीगल काम नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले ट्रक में भर भर के ट्रांसपोर्टेशन में बिना बिल के यहाँ से वहाँ पहुँचा देते थे। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है वो आप बताओ मुझे। जीएसटी बताओगे ना? आप ठीक है, क्या फुल फॉर्म है ये बता रहे? मत बताओ, गजब बेइज्जती है। जीएसटी के फायदे पता, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता आपको? दोस्तों जब पठान मूवी आई थी तब अंधभक्त का कहना था कि पठान फ्लॉप जाएगी तो मैं लड्डू बांटेंगे। इसके साथ साथ मनीष के साहब भी कह रहे थे कि पठान फ्लॉप होगी, लिख के रख लो। और अब जब आदि पुरुष आई है तब अंधभक्त के मुंह पे ताला लगा हुआ है क्योंकि ये फिल्म बनाने वाले शुक्ला है। देखिए इन भाई साहब ने अंधभक्त को कैसे धुलाई कर दी। मौसम बदल गया है भैया, तुम्हारी मूवी का मौसम बदलने वाला है। पठान फ्लॉप जाएगी तो मैं लड्डू बांटूंगा। तो हिंदुओं को तो कानून नहीं रोक पाएगा, और पिक्चर बेटे तू तो तू, तेरा तो खान पठान 57 देश के ना चला पाएंगे। खान पठान 57 देश के ना चला पाएंगे। पठान ऐसे भी फ्लॉप होने वाला है, लिख के रख लीजिए। किसी को हिट कराना है तो आ जाए, चैलेंज लगा ले एक बार, जो होगा हम देख लेंगे। हिंदुस्तान में ये पिक्चर नहीं चलनी है तो नहीं चलनी है। अगर पर्दे फाड़ने की बात आई, पर्दे ही फाड़े जाएंगे, ठीक है जी। अगर आग लगाने की बात आई, आग भी लगेगी। अगर किसी थिएटर मालिक ने यहाँ इस तरह की मूवी लगाने की चेष्टा करी, गलत दिखा वहाँ लट बजा के तोड़ेंगे। खोल के बड़े से बड़ा जो है थिएटर का मालिक, सिस्से मजबूत करके रखे अपने थिएटरों के मॉलों के। आंधी चलाएंगे आंधी। आपकी औकात बता रहा सर, बुरा नहीं मानना सर। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। कहाँ हो वे अनुभक्तो, नजर नहीं आ रहे हो? आदि पुरुष सिनेमा जो है 4 दिन से सिनेमा घर में चल रहा है, तुम लोग कब जा रहे हो सिनेमा घर का कुर्सी उखाड़ने? कब दे रहे हो सिनेमा घर के मालिक को धमकी? किस आदि पुरुष सिनेमा को हटा दो वरना सिनेमा घर जला देंगे, ऐसा कुछ नहीं करोगे क्या? अरे हाँ, हम तो भूल गए थे कि जो डायलॉग लिखे हैं मनोज मुंतशिर साहब, जिसने बजरंग बली के मुँह से ये कहलवा दिया, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की।
वाह। और जानते हैं मनोज मुंतशिर साहब का विरोध अनुभव काहे नहीं कर पा रहा है? काहे कि मनोज मुंतशिर साहब का निकल गए शुक्ला जी। अब बताइए कि जॉन फिल्म को 600 करोड़ खर्चा करके बनाया गया है और उसके लिखने वालों ने ऑडियंस के साथ मजाक कर दिया, तो बताइए आज तक जो लोग श्रीराम के नाम का व्यापार कर रहे थे वो आज कहां गायब हो गए? क्यों नहीं रोते बिलखते बीच चौराहे पे तिरंगा लेके निकल रहे हैं, भगवा झंडा लेके निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे रामायण का अपमान हुआ, हमारे धर्म का अपमान हुआ, हमारे सनातन का अपमान हुआ? लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि इनके आका लोग का व्हाट्सएप में मैसेज अभी तक नहीं आया है। दोस्तों वही AIMI के प्रवक्ता असीम वक्कर ने कैसे गोदी मीडिया को सबक सिखाया और सहजत होने वाला को प्राइम मिनिस्टर होने की सलाह दे दिया। तो आइए देखते हैं गोदी मीडिया कैसे बिलबिलाते हैं। सवाल बहुत सीधा है और अगर आपको ये तस्वीर पसंद नहीं आई ओबीसी साहब को तो आप कहें कि हैदराबाद की पुलिस, क्योंकि वहीं के सांसद भी हैं ओबीसी साहब, वहां की पुलिस कार्रवाई करे, वहां सरकार भी KCR की है उनकी पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन ये क्या तुलना हो सकती है कि ओसामा की फोटो लेकर जाएंगे तो हमारे घर पर पुलिस घुस जाएगी? मैंने तुलना करने के लिए भी आपको दुनिया का सबसे कुख्यात व्यक्ति मिला ओसामा और उसकी फोटो लेकर लोग निकलेंगे ऐसी उम्मीद आप कर रहे हैं? चुप कर कुत्ते। देखिए आपने सीधे से गोडसे की हमदर्दी दिखा दी, आपने गोडसे का समर्थन कर दिया तो क्या ओसामा के लिए ओवैसी साहब की हमदर्दी थी? क्या आपको पता ही नहीं चला? नहीं नहीं, देखिए इंदिरा जी की हत्या हुई तो जिन लोगों ने इंदिरा जी की हत्या की, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, ये भारत के लिए और दुनिया के लिए टेररिस्ट हैं। ठीक है, जब तक इन्होंने हत्या नहीं की थी तब तक ये फौजी थे, सिपाही थे, ठीक है, रक्षक थे, जैसे ही हत्या की वैसे ही टेररिस्ट हो गए। बात तो सही है। राजीव गांधी जी की हत्या हुई, राजीव गांधी जी की जब तक हत्या नहीं हुई थी तब तक कोई नहीं जानता था कि कौन लोग हत्यारे हैं, लेकिन हत्या के बाद राजीव जी की जब हत्या हो गई उसके बाद वो आतंकवादी हो गए, टेररिस्ट हो गए। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला आतंकवादी क्यों नहीं हुआ पहले तो ये बता दीजिए, इस बात का बुरा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, हमें बुरा नहीं लग रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि कोई ओसामा की फोटो लेकर घूमे, हमदर्दी है आप लोगों को। आपका काम कार्रवाई करवाना है, आपका काम ऐसे कामों पे प्रतिबंध लगाना है कि दूसरे को उकसाना है कि ओसामा की फोटो लेके भी घूमो। देखिए भारत सरकार बीजेपी की है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जी, भारत सरकार की जो आंतरिक व्यवस्था है हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था आंतरिक व्यवस्था वो गृह मंत्रालय के पास होती है, गृह मंत्रालय आली जनाब मोहतरम अमित शाह साहब है। अब गृह मंत्रालय को काम करने का तरीका वैसी सब सिखाएंगे? एक नंबर के चूतिया हो तुम। या प्रधानमंत्री जी को क्या आसिम वकार जाके ये बताएंगे कि साहब प्रधानमंत्री जी आपको नहीं पता है गोडसे ने राजपिता की हत्या की थी इसलिए वो टेररिस्ट है? क्या मैं जाके बताऊंगा उनको? नहीं, नहीं। सवाल आप पूछिए तेलंगाना के सीएम साहब से, वहां की सुरक्षा से, सवाल पूछिए भारत की सरकार है, सवाल पूछिए भारत के प्रधानमंत्री जी से, पसंदीदा सवाल केसीआर वाली सीबीआई से, सवाल पूछिए ईडी से। आप क्यों नहीं पूछेंगे केसीआर से सवाल कि आपने ये लिख रखा है केवल मोदी जी से सवाल पूछेंगे? आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। नहीं, वैसी साहब ने पूछ लिया, वैसी साहब ने पूछ लिया और हम भी कह रहे हैं भाई तो ये प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की पुलिस की, शहर की पुलिस की है कि जिसने जुलूस की परमिशन ली। ठीक है, सुनिए सर, देखिए आप बेवजह में गोडसे के साथ खड़े हैं, तुम्हें शर्म है कुछ? इतने काबिल हैं शहजाद पुना वाले, इनको मोदी जी को चाहिए कि इस्तीफा दे कि इनको बनाए प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री पद के हकदार हैं। आप चिंता मत करें, मेरी पार्टी बहुत सोच समझ के काम करती है। मैं बोलूं जी, जवाब दीजिए हजरत एंकर महोदय जी। देखिए मैंने इनको इसलिए कहा कि जिस चीज की जानकारी मोदी जी को, गृहमंत्री जी को नहीं है, ओम बिरला साहब को नहीं है, वो सारी जानकारी शहजाद पूनावाला के पास है। इन्होंने कहा